ड्रामा स्टार्ट हुआ है। या वाकई में हमको भी ऐसा ही लग रहा है। इनफैक्ट जब मैंने सीन भी पढ़ा तो आई थिंक आई ऑटोमेटिकली हैड टीयर्स, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी एक्चुअली हैव अ फैमिली ड्रामा सीन एंड इट इज़ सुपर्ब। सो इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल ऑल माई ऑडियंस कि मैं जानती हूँ आप में से कईयों को बहुत शिकायत है हमसे, सो प्लीज़ ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आई डोंट नो ये कब टेलीकास्ट होगा, बट जब भी होगा आई विल पोस्ट इट ऑन माई इंस्टा, सो फॉलो मी। सो बट प्लीज़ वॉच इट, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्विस्ट, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चेंज दैट वी आर गेटिंग एंड आई एम श्योर आप सब इसे बहुत पसंद करेंगे। लेकिन सिमर अपने ससुराल के बिना, सिमर का जो ससुराल है वो सिमर के बिना और ससुराल सिमर के बिना थोड़ा अधूरा सा है। हाँ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आई थिंक वही है। अब ये किसी चीज़ का अंत है या एक नई शुरुआत, ये आपको डिसाइड करना है, तो देखते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो इतनी आप मजबूर हो गए अपनी बेटी के साथ घर छोड़ने पे? बेटे के साथ आई थिंक यही है। हम अपनी किसी भी मॉम को देखेंगे या किसी भी मॉम से पूछेंगे तो बच्चे से ज़्यादा ऊपर और कुछ उनको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, कुछ नहीं होता। सो एग्जैक्टली सिमर के साथ भी वही हो रहा है कि उसका पहला बच्चा है जो उसने खुद अपनी कोख से जन्मा है, तो इस वक्त वो ये कुछ भी समझने सोचने की ताकत में ही नहीं है कि वो बच्चा इज़ नेगेटिव, या मतलब वो सोचना भी गलत है, ऑब्वियसली बात है गलत है। तो इसीलिए जबकि पूरा आज वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि जिस परिवार को वो अपना मानती थी वो पूरा परिवार आज उसके अगेंस्ट खड़ा है। सो दैट्स द रीज़न शी इज़ फाइटिंग एंड शी इज़ फाइटिंग फॉर हर चाइल्ड दिस टाइम। ऑनेस्टली मुझे वो दिखाई ही नहीं दिए, क्योंकि मैं इतनी घुसी हुई थी अपने सीन में और मैं तब मैं ग्लिस ही ले रही थी, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। बट जब वो मैम के पास आके खड़ा हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि उसने कुछ तो मस्ती की।